नुह उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बुधवार को जिला सचिवालय परिसर से पोषण अभियान के तहत नाटक मंडलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये नाटक मंडलियां गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देने, महिलाओं को सही पोषण की जानकारी देना, स्वास्थ्य लाभ व सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए जागरूक करेंगी। ये अभियान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। नाटक मंडलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह कार्यक्रम के तहत यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जिला के प्रत्येक खंड के 196 गांव का चयन किया गया है, जहां पर नाटक मंडलियों द्वारा नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की जाएगी। लोगों से कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देने के साथ साथ दहेज प्रथा व किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्देश अनुसार कन्या भ्रूण हत्या की जो जड़ मूल से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर छापेमारी अभियान चलाया जाता है। आप देख रहे हैं नुह मेवा से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ाओ के लिए जो हमारी महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से डायरेक्शन आई थी कि अपने जितने भी गांव हैं या कस्बे हैं उनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर आप उनको लोगों को ज्ञान बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रचार प्रसार करें और उनका जन जागरण भी करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 5 नाटक मंडली जो विभिन्न क्षेत्रों से आई है उनको हमने लिया है और उनका हमारे सभी गांवों के अंदर हमने उनको बांटा है ताकि वो जन जागरण कर सके और हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है इसके बारे में विभिन्न पहलुओं के ऊपर बता सके, जिसमें गर्भपात करना या बेटी का पढ़ाई के बारे में या जितने भी बालिकाओं के से संबंधित जो इश्यूज हैं